गए। तफसीलात जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल, देखिए जो मुलाकात है ये जारी है। इससे कबल जो है वो शफाक शरीफ जो है वो अपने वफद के हमरा जो है मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुंचे हैं और ये अहम मुलाकात जो है वो जारी है। मौलाना फजल रहमान इस मुलाकात में शरीक है और उनके साथ साथ जो है वो अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर जो रहनुमा है जे आई के वो मौजूद है। इस मुलाकात में जो है वो अपोजिशन की जो एपीसी है उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी और जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू की जाएगी और साथ साथ जो है शहबाज शरीफ जो है मौलाना फजल रहमान के जो तहफात है अपोजिशन दो बड़ी अपोजिशन की बात के हवाले से पीपल्स पार्टी के हवाले से उस हवाले से भी जो है वो मौलाना फजल रहमान के तहफात को दूर करने की कोशिश करेगा नून लीग का वफद। तो ये अहम मुलाकात जो है वो जारी है और बड़ी अहम नोयत की मुलाकात है क्योंकि मौलाना फजल रहमान जो है वो आराम उल आराम के बाद एपीसी बनाने का जो है वो इरादा रखते हैं। उन्होंने दीगर अपोजिशन जमातों से रब्ता भी किया है लेकिन जो जो बड़ी जमातें थी उन पर उनके तहफात थे और दीगर जो छोटी अपोजिशन जमातें थी उनमें उन्होंने भी अपने तहफात का इजहार किया था जिसके बाद कल जो है मौलाना फजल रहमान की पिछले रोज जो है वो नून लीग से भी रबते हुए थे और पीपल्स पार्टी की क्यादत से रबते हुए थे और ये मुलाकात जो है एक दो दिन कबल जो है वो तय पा गई थी कि शहबाज शरीफ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे और तमाम सूरत हाल पर जो है वो बातचीत की जाएगी। तो इस वक्त जो है ये अहम मुलाकात जारी है और तमाम सर जो उनकी सियासी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है और साथ साथ जो है शहबाज शरीफ जो मौलाना फजल रहमान के नून लीग के हवाले से अपोजिशन के हवाले से बड़ी अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके हवाले से जो तहफ़ जो है वो मौलानों का एतमाद ले रहे हैं और जो भी उनके तहफात है वो तहफात दूर किए जाएंगे ताकि अपोजिशन जो है वो मिलकर आगे बढ़े और हुकूमत मुखालिफ तहरीक जो भी मिलकर चलाई जाए। जी मुलाकात इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच, आप अपडेट कर रहे हैं।